सबसे छोटा जन्नती, सबसे छोटा। जैसे ये नहीं रास्ते में घर नजर आते, वो एक कमरा बना होता है, वो एक झोंपड़ा सा जो भी रास्ते में बने होते हैं गरीबों के घर, एक झोंपड़ा, जन्नत का एक झोंपड़ा, जन्नत का एक अपार्टमेंट, सबसे छोटी जन्नत कितनी बड़ी होगी? इस दुनिया से 10 गुना बड़ी होगी। 24,000 किलोमीटर का ये फुटबॉल है दुनिया, इसके साथ एक सिफर और लगाओ तो 2,40,000 बनता है, 2,40,000 मील बनता है। सबसे छोटी जन्नत इस दुनिया से 10 गुना बड़ी। और वो आदमी, आपने फरमाया उस वो जन्नत से, जहन्नम से सबसे आखिर में निकलेगा, सारे निकल जाएंगे उसकी बारी नहीं आएगी, सब निकल जाएंगे उसकी बारी नहीं आएगी। नबी की सिफारिश, फिर औलिया की सिफारिश, फिर मुजाहिदीन की, फिर शुहदा की, फिर मुबल्लिगीन की, फिर उलमा की, फिर अल्लाह के नेक बंदों की, फिर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फिर उसके बाद अल्लाह 3 दफा खुद जहन्नुम से निकालेगा, उसका नंबर फिर भी नहीं लगेगा, इतना कमजोर ईमान होगा। अब उसके ईमान की कीमत लगने लगी है, तो अल्लाह ताला उसे फरमाएंगे, मेरे बंदे तुझे जन्नत दे दूं? कहेगा या अल्लाह दे दे, तो अल्लाह ताला उसको एक जगह पहुंचा देगा, उसकी अपनी जन्नत नहीं, नीचे वाले, और उसको एक जन्नत और दिखा देगा। थोड़ी देर तो वो सबर करेगा, फिर कहेगा या अल्लाह ये नहीं वो चाहिए, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे फिर और तो नहीं मांगोगे? कहने नहीं, नहीं तेरी कसम और नहीं मांगता। अल्लाह वहां से ऊपर पहुंचा देगा और एक जन्नत और दिखा देगा, जो थोड़ी देर उसको देखता रहेगा वो ज्यादा खूबसूरत या थोड़ी खूबसूरत, फिर कहेगा या अल्लाह ये नहीं वो दे, तो अल्लाह फरमाएंगे फिर आप दोबारा मांगोगे? कहने नहीं, नहीं, नहीं अब नहीं मांगता, तेरी कसम अब नहीं मांगता। एक और दिखा देगा, जब उसको देखेगा तो फिर थोड़ी देर तो चुप रहेगा, फिर कहेगा या अल्लाह ये नहीं वो चाहिए। आदमी पैदल होता है तो कहता है या अल्लाह साइकिल ही दे दे, साइकिल मिल जाता है तो कहता है मोटरसाइकिल दे दे, मोटरसाइकिल मिल जाए तो कहता है कोई गाड़ी दे दे, चाहे छोटी सारी हो, चाहे सुजुकी हो, छोटी सारी हो। जब वो मिल जाती फिर कहता है बड़ी दे दे, जब वो मिल जाती कहता है जहाज दे दे, इंसानी फितरत है। तो फिर अल्लाह ताला आखिर में ना उसको उसकी असली जन्नत दिखाएगा। जब असली जन्नत देखेगा तो अब 3-4 दफा वादे तोड़ चुका है, तो देखकर सबर तो आएगा नहीं, लेकिन बोलेगा नहीं, डर जाएगा। तो अल्लाह कहेगा मांगते क्यों नहीं हो, मांगते क्यों नहीं हो? वो डरा बैठा है कि कहीं रिवर्स गियर ना लग जाए, तो चलो वापस, इस वास्ते वो चुप बैठा हुआ है। तो वो अल्लाह, फिर अल्लाह कहेगा मांगते नहीं हो? कहेगा या अल्लाह शर्म आती है, बहुत कसम तोड़ी है अब शर्म आती। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अच्छा तू बता, मैंने जिस दिन दुनिया पैदा की थी उसको 10 टाइम करके तो मैं दे दूं, राजी हो? कहेगा या अल्लाह मेरे साथ मजाक तो ना करो, मेरे साथ मजाक तो ना करो। वो अल्लाह ताला कहेंगे मजाक नहीं कर रहा हूं, इतनी बड़ी जन्नत तेरे लिए तैयार है, ये अपार्टमेंट है जन्नत, अपार्टमेंट, ये उसकी बात आपको बता रहा हूं। अच्छा, जब अल्लाह ताला उसको पहुंचाएगा ना दरवाजे पर, तो अल्लाह इसके साथ दिल लगी फरमाएंगे, क्या करेंगे? जन्नत में जाने लगेगा तो आगे सारी फुल जगह ही कोई नहीं ना, तो वापस आ जाएगा, खड़े हो जाएगा, अल्लाह ताला फरमाएंगे जाओ ना, वो जाएगा फिर देखेगा तो सारी फुल, जैसे अब ये सारा मजमा फुल बैठा है, वो लोग उधर जा रहे हैं सारी फुल, वो फिर वापस आ जाएगा। तीसरी दफा फिर अल्लाह कहेगा जाता क्यों नहीं, तो कहेगा जगह तो तूने छोड़ी नहीं, मैं कहां जा, जगह तो तूने छोड़ी नहीं, मैं कहां जा। अल्लाह कहेगा अच्छा अब जा, जा अब तेरे लिए दरवाजा खुल गया, अब जब जाएगा तो असल दरवाजा खोलेगा, तो उसका नौकर खड़ा होगा इतना हसीन कि उसको देखकर, जैसे हमारे बर्रे सगीर का रिवाज, हम बड़ों के आगे थोड़ा झुक के मिलते हैं, वो कहेगा माह माह क्या हुआ, क्या हुआ आप क्यों झुक रहे हैं? वो कहेगा तुम फरिश्ते हो? कहेगा नहीं मैं फरिश्ता नहीं, मैं आपका सर्वेंट हूं, खादिम हूं, नौकर हूं। कुछ इतना खूबसूरत,
پھر اس کو لے کے وہ چلے گا تو ایک دم ایک نور کی چمک اٹھے گی, ایس لائٹس زبردست, وہ دھڑم اللہ اکبر کر کے سجدے میں جائے گا. اس کا پھر نوکر اس کو پکڑے گا, سر سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہے گا یہ اللہ کا نور ہے جو نظر آ رہا ہے, سجدہ کر رہا ہوں. کہے گا یہ اللہ کا نور نہیں, آپ کے گھر کی لائٹس ہیں. جو ایسے بھی گھر ہوتے ہیں. پھر آگے چلے گا تو 80,000 سروینٹس, 80,000 80,000 نوکر ایسے کھڑے ہوں گے گاڈ آف آنر لینے کے لیے, اور کارپیٹنگ ہوگی 40 ایئرز اس پر چل سکے گا کارپیٹنگ پر, 40 سال چلتا جائے کارپیٹ ختم نہیں ہوگا. تو وہ سارے اس کو مرحبا کہیں گے, ویلکم کہیں گے, اور کہیں گے آپ نے بڑی دیر لگا دی, اما آن لے سیدنا ان نزورہ, آپ نے بڑی دیر لگا دی. وہ ان سے کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا, میں بڑے لتر کھا دے جے چنگے ٹھوکے نے فرشتیاں مینو ٹکا ٹکا تھا. تو وہ خوش ہوں گے اور ڈانس کریں گے اور میوزک بجائیں گے, اور اس کو لے کر ویسے جیسے بارات نہیں ہو ہمارے یہاں بینڈ باجوں کے ساتھ بارات جاتی, پوری بارات بن کے بینڈ باجوں کے ساتھ اس کو لے کے چلیں گے اور ایک میدان میں آئیں گے, جس کو ادھر دیکھے گا تو نعمتیں, ادھر دیکھے گا تو نعمتیں. اس کو سینٹر میں ایک بہت خوبصورت تخت پڑا ہوگا جو سونے چاندی سے بنا ہوگا, اس میں ہیرے موتی یاقوت لگے ہوئے ہوں گے. ایک چھوٹے سے موتی کو نکال کے زمین پہ رکھو تو زمین سے آسمان تک دنیا میں روشنی پھیل جائے گی, ایسا خوبصورت وہ اس کا تخت ہوگا. اس کو بٹھائیں گے, ابھی 80,000 سرونٹ ہیں, ہر ایک کے ہاتھ میں گلاس ہوگا, دوسرے ہاتھ میں ڈش ہوگی, 80,000 ڈشز, 80,000 ڈرنکس, ہر ڈرنک الگ ہوگا. تو اس کو کھلائیں گے, آقا آپ آئیں جہنم سے, آپ کو بھوک بھی ہوگی پیاس بھی ہوگی, لیجئے یہ 80,000 ڈشز ساری کھا جائے گا, 80,000 ڈرنکس سارے پی جائے گا, نہ کھانے کا مزہ ختم ہوگا نہ پینے کا مزہ.